हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अक्षर एजुकेशन सेंटर में। और यहां पर जो हमारा नाइन्थ क्लास का जो भी सीरीज़ चल रही है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज हम फिज़िक्स के चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, और वो चैप्टर है मोशन। मोशन जो चैप्टर है उसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है, किन चीज़ों का मैं इंट्रोडक्शन आपसे कराने वाला हूँ, वो सब कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जैसा मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ, हर चैप्टर के साथ कर रहा हूँ, कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और कहता हूँ कि कमेंट में आंसर करें, ये चीज़ आपको आज भी करनी होगी। तो ठीक है, देखें वीडियोज़, लाइक करें, शेयर करें यदि आपको अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले स्टार्ट करें। देखिए, मोशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मोशन क्या है। सिंपल सा वर्ड है मोशन, इतना कोई टफ डरने वाला वर्ड नहीं कि भाई यार ये मोशन क्या होता है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब बच्चे इसी बात से डर जाते हैं कि हमें फिजिक्स पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। मतलब तो इतना टफ नहीं है, साइंस बहुत ईजी है अगर हम समझ कर पढ़ें तो। तो देखिए, मोशन के बारे में हम बात करें, अपन बोलते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से वहाँ चला गया, हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। ये एक लड़का खड़ा हुआ था, हमने देखा कि अरे ये लड़का तो यहाँ था खड़ा था, थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गया। यही तो मोशन है, मूवमेंट। सिंपल सी बात है, जो मूवमेंट है हम उसी को मोशन कह सकते हैं। हमने एक कुर्सी उठाई, थोड़ा दूर ले जाकर रख दी, भाई कुर्सी मूव हो गई, हमने कर दी, लेकिन कुर्सी तो उस कुर्सी की प्लेस जो है वो चेंज हो गई, चेयर की प्लेस चेंज हो गई, वही तो मोशन है। मूव हो गई वो, अपनी प्लेस उसने चेंज कर ली, यही तो मोशन है ना। मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ लीजिए, यही तो मोशन है ना। इसी को तो मूवमेंट कहते हैं हम, मैं मूव हो गया एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, यही मोशन है, यही मूवमेंट है। ठीक है, तो ये है, इतना डरने की बात नहीं है कि भाई फिजिक्स में क्या टर्मिनोलॉजी है, ये हमने कभी सुनी नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। चले अब देखिए, मैंने मोशन को कैटेगराइज़ किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि भाई हर बार मैं जितना टाइम लूँ उतनी ही डिस्टेंस कवर करूँ, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब मैं 5 मिनट में जो है 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता हूँ, फिर अगले 5 मिनट में फिर से मैं 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता हूँ, फिर उसके बाद अगले 5 मिनट्स में मैं 10 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करता हूँ। मतलब जो मेरे डिस्टेंस और टाइम का रेशो है वो हमेशा एक बना रहे, ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हैं मेरी बात। मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, मुझे जबलपुर जाना है सैपुरा से, ठीक है, मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, आधे घंटे में मैं 10 किलोमीटर पहुँच गया, फिर अगले आधे घंटे में 10 किलोमीटर पहुंच गया, फिर अगले आधे घंटे में जो है मैं जबलपुर पहुंच गया। मतलब क्योंकि 30 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 10-10 किलोमीटर के डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं हाफ हाफ आर में। तो ये क्या था, ये यूनिफॉर्म मोशन था, क्योंकि जितना मैं टाइम ले रहा हूँ उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ हर बार, ठीक है। तो ये है, अब इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सीधी सी बात है कि भाई यूनिफॉर्म का ऑपोजिट होगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा कि जितना टाइम हमने लिया है उतनी ही डिस्टेंस कवर की है हर बार, है ना, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। हो सकता है कि एक बार हमने 10 मिनट का टाइम लिया और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो अगली बार हो सकता है कि 10 मिनट के टाइम में हम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लें। समझ रहे हैं मेरी बात। या तो अगले, जैसे हमने स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो अगले 5 मिनट्स में ही हम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर जाएं। तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर जो टाइम और डिस्टेंस कवर जो हमने की है उसका रेशियो बिल्कुल भी एक सा नहीं रहता है, अलग अलग होता है, हर बार चेंज होता जाता है, हर बार चेंज होता जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमें जबलपुर जाना है, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो भाई जहाँ रोड ख़राब है वहाँ पर मैं आधे घंटे में केवल 5 किलोमीटर्स चल पाया, फिर थोड़ी रोड अच्छी आई तो फिर आधे घंटे में मैं 15 किलोमीटर चल गया, 15 किलोमीटर चला गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन है, जहाँ पर ना तो डिस्टेंस फिक्स्ड है ना तो टाइम फिक्स्ड है, और दोनों का रेशो भी जो है वो हर बार डिफरेंट आता है, हर टाइम स्लॉट में जो डिस्टेंस है वो अलग हो जाती है, या हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए टाइम अलग हो जाता है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, तो मोशन समझ गए आप। मोशन में दो चीज़ें ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताई भाई, एक तो डिस्टेंस और डिस्टेंस के साथ टाइम, क्लियर है ना। दो चीज़ें पता होना चाहिए हमें यदि हमें मोशन को शो करना है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब जरा एक मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ ये चीज़ कि ग्राफ में हम कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कोई टफ नहीं है। देखिए ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रखा है टाइम और यहाँ पर मैं रखता हूँ डिस्टेंस। ये है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। मान लीजिए मैंने 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 2 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, 3 आवर में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और ऐसे ही 4 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पर आपको हमेशा जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, ठीक। तो समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ आपको मिलेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ मिलेगा आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ओके। तो देखिए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देख लेते हैं। देखिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हम वन, तो देखिए यहाँ पर जो नॉन यूनिफॉर्म में हमें ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है। मान लीजिए 1 आवर में आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर गए, ठीक है, सॉरी 1 आवर और 10 किलोमीटर यहाँ पर, लेकिन अगला जो 1 आवर था मतलब आफ्टर 2 आवर्स आप जो है केवल 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो, ठीक, मतलब यहाँ पर पहुँच पा रहे हो। फिर 3 आवर्स में जो है आपने टोटल डिस्टेंस कवर की भाई 17 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की आपने। फिर 4th आवर में जब टोटल हुआ तो आपने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पर देखें क्या ग्राफ मिलता है, यहाँ पर आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके से मिल रहा है। मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें एक जो है कर्व लाइन देखने को मिलती है, ठीक है, कर्व मतलब कि मुड़ी हुई लाइन देखने को मिलती है हमें। तो ये है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ में, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में आपको एक कर्व लाइन देखने को मिलती है। स्ट्रेट लाइन तो कभी मिल ही नहीं सकती क्योंकि रेशो जो है हमेशा चेंज होता रहता है। चल आगे बढ़े, अब अपन बात कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत मतलब कि आगे की क्लास का टॉपिक है ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, लेकिन अभी समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बाद में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीड और वेलोसिटी समझने में। तो देखें हम बात कर लेते हैं स्केलर के बारे में। स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पता हो, मतलब केवल वैल्यू पता हो तो हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, स्केलर का। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड आपको जरूरी है पता होना, डायरेक्शन नॉट मैटर्स। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड के साथ जो है डायरेक्शन भी जो है पता होना चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट जो है भाई वो 20 किलोमीटर के स्पीड से जो है वो जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसे हम वेलोसिटी कह ही नहीं सकते, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम ये बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब यदि नॉर्मल बोले, एक ऑब्जेक्ट जो है या एक बस जो है सहपुरा से जबलपुर तक
20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ मैंने डिस्टेंस तो बताई, स्पीड भी बताई, लेकिन साथ में मैंने डायरेक्शन भी बता दी कि कहाँ से कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो ये कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जहाँ पर हम मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन नाइन्थ में इन्हें नहीं ऐड किया गया है, मुझे नहीं पता क्यों ऐड किया गया है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि भाई स्केलर क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। मतलब हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लें अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट जो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है ये ज़रा हम समझ लेते हैं। तो मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ फिलहाल। देखिए स्पीड की डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन अपन को पता है स्पीड क्या होता है। स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। मतलब आपने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसका जो रेशियो होता है वो स्पीड होता है। सिंपल सी बात है ना। मतलब मैं 2 घंटे जो है गाड़ी चलाता हूँ और 2 घंटे में मैं जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मेरी स्पीड कितनी होगी? 100/2, दैट मीन्स कि 50 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड होगी, है ना। तो ये स्पीड होती है, और स्पीड का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओनली डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉट डायरेक्शन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई स्पीड। मतलब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें आपको केवल मैग्नीट्यूड पता हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत स्पीड में नहीं होती। ठीक है, तो समझ गया मेरी बात कि भाई स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको स्पेसिफाई करने के लिए या जिसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही यदि मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड तो है लेकिन विथ डायरेक्शन। ठीक, वेलोसिटी क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब हमें यहाँ पर ये पता होगा कि किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। मैग्नीट्यूड पता है कि भाई 40 किलोमीटर पर आर के स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? ठीक है, तो ये जो है जब हमें डायरेक्शन पता होगी स्पीड के साथ साथ तो वो कहलाएगी भाई वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एट स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब वहाँ पर डायरेक्शन भी हमने ऐड कर दिया, तो क्योंकि डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वेलोसिटी बन गई, है ना। इसलिए ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इसमें जो है डायरेक्शन को बताना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो है वो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हमें डायरेक्शन को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलें लास्ट आ जाते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सडनली मुझे याद आ गया। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें और हमें देखनी है, स्पीड और वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने 4-5 घंटे गाड़ी चलाई और
मैं जो है जबलपुर से अच्छा खासा दूरी पर, मान लीजिए मैं सतना पहुंच गया, सतना रीवा पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने अगर डिस्टेंस ट्रेवल की है, कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो भाई यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई मैं 200 किलोमीटर चला गया 4 आवर्स में, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, ये एवरेज स्पीड है, यही स्पीड भी है और यही एवरेज स्पीड भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको समझाना भूल गया हूँ, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। देखिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, है ना, उसको आप ऐड करके टाइम जितना भी आपने लिया है उससे आप डिवाइड कर दें, तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि कैसे होगी, मान लीजिए मैंने जब गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तब मेरी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर। भाई मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की है तो स्पीड तो 0 ही होगी। फिर फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब मैं पहुंचने वाला हूँ, मतलब जब मैं पहुंच गया, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर थी मेरी स्पीड, तो हमने इनिशियल और फाइनल को ऐड किया और जितना टाइम लिया है मैंने उसे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या था, ये थी एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब जरा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले की चीज़ मैं बता दूं आपको, मैं बताना भूल गया हूँ। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आप समझ लें, ये स्पीड और वेलोसिटी से पहले का टॉपिक है ये। देखिए, डिस्टेंस मतलब होता है जितना आपने मूव किया है, जितना आपने मूवमेंट किया है वो डिस्टेंस होगी। किस डायरेक्शन में किया है नॉट मैटर्स। हम जो है इस तरीके से चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यूं गए यूं गए यूं गए यूं गए यूं यूं यूं, और यहाँ पर, और यहाँ घूम घाम के यहीं पर आकर हम रुक गए। अब यहाँ पे मैंने जो है 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 5, और टोटल मिला के आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 मीटर जो है मैंने डिस्टेंस कवर की है। क्या कवर की है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई अता पता होना जरूरी नहीं है। देखिए कहाँ कहाँ से घूम घाम के हम, गली गली घूम घाम के हम आ गए, 95 मीटर की डिस्टेंस हमने कवर कर ली, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक इनिशियल पोजीशन और दूसरी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं घूम घाम के आया और यहीं पे आकर स्टॉप हो गया। अब जो अब हुआ क्या कि भाई मैंने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वो मेरी इनिशियल पोजीशन थी, और मैं जहाँ पर आकर रुका हूँ वो मेरी फाइनल पोजीशन है। मतलब मैं जहाँ था मैं तो वहीं आ गया ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। समझ आ रही है मेरी बात, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक इनिशियल पोजीशन और दूसरा फाइनल पोजीशन। तो भाई मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है ना। अगर मैं बात करता कि भाई मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, ये है 0 मीटर, मतलब जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे कोई मीटर ही नहीं हो, वहीं तो खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर पहुँच गया मैं 5 मीटर में, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने डिस्टेंस भी 5 मीटर कवर किया और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर कवर किया। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना। लेकिन यही यदि मैं बात करूँ
यहाँ से घूम घाम के मैं यहाँ आके और यहाँ पहुँच जाऊँ। लीजिए, मेरी इनिशियल स्टेज भी वही है, मेरी फाइनल स्टेज भी वही है, यानी कि मैंने डिस्टेंस तो कवर की होगी। डिस्टेंस कैसे कवर की होगी भाई, मैं 5 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ 2 मीटर चला, फिर यहाँ 5 मीटर चला, फिर यहाँ 2 मीटर चला, मतलब मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की, 5 to 7, 5 to 12 to 14, मैंने 14 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भाई 0 है, क्योंकि मैं यहाँ से चलकर और फिर घूम घाम के यहीं आ गया। मतलब मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम है, इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है ना। तो मैंने डिफरेंसेस आप लोगों को लिखवाए हैं कि भाई जो डिस्टेंस है वो 0 और पॉजिटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो डायरेक्शन हो वो हमारी इनिशियल पोजीशन की डायरेक्शन से अलग हो, ठीक है, तो इस कारण से। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम देख लेते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है वेलोसिटी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दें, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब जब भी रेट का वर्ड आता है किसी भी डेफिनेशन से, उसका मतलब तो आप समझ ही ले, ये समझ लीजिए कि वहाँ पर उसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो टाइम से किया जा रहा है। जहाँ पर भी रेट की बात कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जहाँ भी रेट वर्ड आता है वहाँ पर टाइम से वहाँ पर कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब होता है यहां पर वो बात कर रहे हैं एसिलरेशन की, ठीक है ना। एसिलरेशन जो है वो वेलोसिटी से भी आगे की टर्म है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एसिलरेशन, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। सिंपल सी चीज है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंज हमें देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे एसेलरेशन। क्लियर हो गई, एसेलरेशन वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को चेंज को कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। क्लियर है मेरी बात, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी टफ नहीं है कि आप समझ ना सकें, ठीक है। तो आज इतना ही था जिसमें मैंने मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ ही स्केलर वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी और एसेलरेशन आपको एक्सप्लेन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और हाँ, जो मैंने बोला है कि मैं कमेंट में ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट में ही आप मुझे आंसर करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।